हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम क्लास 9 की जो एक्सरसाइज क्वाड्रिलेटरल है, एक्सरसाइज 8, उस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 को आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया हुआ है, थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर रेस्पेक्टिवली 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 110 डिग्री, फाइंड द फोर्थ एंगल। यह हमारा जो एक्सरसाइज 8 है क्वाड्रिलेटरल, उस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 को आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो जो हमारा मैथ का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ताकि जो इसका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाए। चलिए आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहे हैं, जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल होती है, थ्री एंगल हमारा दिया हुआ है, 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 110 डिग्री दिया हुआ है। और हमारा जो फोर्थ एंगल है, फोर्थ एंगल को फाइंड करने के लिए बोला है। ये हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो होती है, क्वाड्रिलेटरल की कितनी एंगल होती है, फोर एंगल्स होती है। और हमारा क्वेश्चन में थ्री एंगल्स दिया हुआ है और फोर्थ एंगल को हमें क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो चलिए फर्स्ट क्या करते हैं हम, सोल्यूशन में जो फोर्थ एंगल होती है, फोर्थ एंगल को हम क्या करना होगा, फोर्थ एंगल को हमें फर्स्ट एक्स मानना होगा। क्योंकि जो फोर्थ एंगल है, फोर्थ एंगल को तो हमें, फोर्थ एंगल जो होती है, फोर्थ एंगल को हमें तो पता नहीं है कि कितना डिग्री फाइंड होगा, इसलिए हमें फर्स्ट क्या करना होगा, एक्स मानना होगा। लेट द मीजर ऑफ द फोर्थ एंगल, लेट द मीजर ऑफ द फोर्थ एंगल बी एक्स डिग्री। जो हमारा फोर्थ एंगल फाइंड करना है, उस फोर्थ एंगल को फर्स्ट हमने क्या माना है, यहाँ पर एक्स डिग्री माना है। फर्स्ट एक्स डिग्री मानने के बाद क्या करना होगा हमें, जो क्वेश्चन में हमारा थ्री एंगल्स दिया हुआ है, यहाँ पर 40 डिग्री, 50 एंड 110 डिग्री, हमारा थ्री एंगल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है और एक एंगल हमने क्या माना है, यहाँ पर एक्स डिग्री माना है। तो इन चार एंगल को हमें क्या करना होगा, अभी प्लस करना होगा, मतलब सम करना होगा। जो क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल की जो फोर एंगल होती है, फोर एंगल की सम कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है, ये हमें पता है। जो क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल की जो चार एंगल होती है, चार एंगल की सम कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। तो जो चार एंगल हमारा, तीन एंगल तो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमारा फोर्थ एंगल माना हुआ जो एक्स डिग्री है, इन चारों को अभी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो देयरफॉर हमारा कितना डिग्री दिया हुआ है, फर्स्ट 40 डिग्री एंड सेकेंड 50 डिग्री एंड थर्ड 110 डिग्री दिया और फोर्थ एंगल को हमने क्या माना है, एक्स डिग्री माना है। ये हमारा क्वाड्रिलेटरल जो चार एंगल है, चार एंगल हमारा यहाँ पर हमने क्या किया, सम किया है। जो क्वाड्रिलेटरल की सम, जो चार एंगल की सम कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है, ये हमें पता है। तो इक्वल टू कितनी डिग्री होगी, 360 डिग्री। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। ये हमें पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल होती है, क्वाड्रिलेटरल की चार एंगल की सम कितनी डिग्री होती है, 360 डिग्री होती है। तो हमारा यहाँ पर चार एंगल की सम कितनी डिग्री हुआ, 360 डिग्री। अभी क्या करना होगा हमें, यहाँ पर जो नंबर है, तीनों नंबर को क्या करना होगा, प्लस करना होगा। तो 40 डिग्री यहाँ पर, 50 डिग्री, 110 डिग्री को अगर हम सम करेंगे तो हमारा कितना होगा, 200 डिग्री। उसके बाद प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमें यहाँ से क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू को फाइंड करना होगा। एक्स की वैल्यू को क्यों फाइंड करेंगे हम, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में फोर्थ एंगल को फाइंड करने के लिए बोला था और फोर्थ एंगल हमने क्या माना था, यहाँ पर एक्स डिग्री माना था। इसलिए हमें क्या करना होगा, एक्स की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो एक्स को क्या करेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। एक्स को जो जिसकी वैल्यू फाइंड करेंगे उसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड रखेंगे। और जो लेफ्ट में 200 डिग्री है उसे हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे। तो लेफ्ट में प्लस में था, राइट साइड ले जाने के बाद क्या होगा, माइनस हो जाएगा। किसी भी नंबर का जो नंबर, उसका साइड चेंज करने के साथ साथ उसका जो साइन है, साइन भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर प्लस में था, राइट साइड जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। राइट साइड में हमारा पहले से 360 है, 360 को एज इट इज रखेंगे और जो 200 है उसे राइट साइड ले जाएंगे, तो माइनस 200 डिग्री हो जाएगा। तो देयरफॉर x इक्वल टू 360 से अगर हम 200 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 160 डिग्री बचेगा। तो हमारा x की वैल्यू कितना फाइंड हुआ है, 160 डिग्री फाइंड हुआ है। और x को हमने क्या माना था, फोर्थ एंगल माना था। तो फोर्थ एंगल हमारा कितना फाइंड हुआ है, 160 डिग्री। तो हैंस द मीजर ऑफ द फोर्थ एंगल
हेंस द मेजर ऑफ द फोर्थ एंगल इज 160 डिग्री। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ऐसे करके आप क्वाड्रिलेटरल की जो एंगल होती है, एंगल को किसी भी एंगल को फाइंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू।